हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम भरने जा रहे हैं अपना वन टाइम पेमेंट फॉर लो इनकम रेंटर्स। तो अब सबसे पहले जाएंगे सीआरए के वेबसाइट पे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक्स टैग कर दूंगी। तो मेरा ऑलरेडी सीआरए अकाउंट है, एट दिस टाइम आई डोंट वांट टू लॉग इन बिकॉज मैं ऑलरेडी लॉग इन कर चुकी हूँ। और जिसका नहीं है उसको पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा? इनकी वेबसाइट्स आर सो गुड कि उस पर सब कुछ दिया होता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तो ये देखिए, मोस्ट रिक्वेस्टेड आजकल यही चला हुआ है। देखिए कितने सारे चले हुए फॉर्म्स एंड पब्लिकेशन, कनाडा का डेंटल बेनिफिट हो गया, आपके पेरोल डिडक्शन कैलकुलेटर्स हो गए, आप टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट्स कैसे बना सकते हैं, COVID-19 के क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंडिविजुअल्स को। तो एवरीथिंग दे हैव हेयर, इट इज़ जस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम और ये सारा पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर टाइम की कमी है। तो हम खोलते हैं अपना, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्या है। हमने देखना वन टाइम टॉप अप इन कैनेडास। तो ये देखिए सेक्शन सारे दिए हुए हैं, लाइक हु कैन अप्लाई, गेट रेडी टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, आफ्टर यू अप्लाई, फिर कॉन्टैक्ट सीआरए। ओके, अब हम चले जाते हैं कि हु कैन अप्लाई। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए अपनी, ठीक है, अपना देख लेते हैं ये सारी चीज़ें है आपकी कि नहीं है, इनकम आपकी कम है, आपने टैक्स फाइल करा है कि नहीं करा है, ये सारा अच्छे से पढ़ लीजिए कि आप साइन इन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये सब अच्छे से पढ़ने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आप रेडी हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। अप्लाई आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये छोटा सा फॉर्म है ये भर लेना है। ये ऐसे ही आएगा, ये अभी मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऐसी ही आएगी फॉर्म में। जस्ट यू हैव टू फिल दिस फॉर्म एंड यू आर गुड टू गो। देख लो भैया 2021 में आप लोगों ने टैक्सेस भरे कि नहीं भरे, फिर अपनी रेंट की इन्फॉर्मेशन डालनी है, नेम इन्फॉर्मेशन, पर्सन किसको पे करा है ना, 2022 में कितना पे करा है आपने पैसा, कौन सा एड्रेस था, कोई प्रिंसिपल सीआरए अकाउंट है कि नहीं है, डायरेक्ट डिपॉजिट है कि नहीं है। क्योंकि सीआरए अकाउंट जब आप बना देते हो तो आप अपने ही बैंक अकाउंट से उसको डायरेक्ट उसमें कर सकते हो, डिपॉजिट में कर सकते हो, देर इज़ अ ऑप्शन। वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इस पर कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है जी। डेडलाइन आप लोग देख सकते हो, डेडलाइन है फ्राइडे 31 मार्च 2003 की। तो आप ये चीज़ 31 तक भर सकते हो। और जिन लोगों ने 2022 का टैक्स मतलब 2021 में मतलब टैक्स पे नहीं करा है, न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करें, फेब के बाद अपने टैक्स फिल कर दें, उसके बाद सारे बेनिफिट्स वो लोग ले सकते हैं, साथ में सारे बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और आप देख सकते हो पेमेंट प्रोसेसिंग टाइम लिखा हुआ है, विद योर ऑनलाइन अकाउंट इट विल बी 5 to 10 बिजनेस डेज इसमें आपका आ जाएगा। और अगर आपका ये देखिए लिखा, अगर आपके पास सीआरए अकाउंट नहीं है तो यू आप लोग सर्विस कनाडा अकाउंट में, एमएससीए अकाउंट में अपना वो कर सकते हो, वहाँ से उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव दैट। तो तभी बोल रही थी मैं सीआरए अकाउंट इज़ नॉट नेसेसरी, तो आप बस जाके माई सर्विस कनाडा अकाउंट में जाके फिल कर दीजिए। तो डायरेक्ट डिपॉजिट में आप 5 बिजनेस डे में देख सकते हो कि 5 दिनों में आपको पैसा आ जाएगा, बाय मेल 10 दिन लग जाते हैं। तो मेरा डायरेक्ट डिपॉजिट है तो मेरा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके टैक्सेस से कि नहीं? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे जो बाद में टैक्सेस तुम्हारे को मिलने हैं रिडीम होने, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारी रिव्यू के लिए आती है, ठीक है, ये देखिए, अगर हमारे को सीआरए वाले बोलते हैं कि भाई हमको दो तुम अपना डॉक्यूमेंट्स, तो अमाउंट ऑफ पेड, रेंटल प्रॉपर्टीज, डेट्स फॉर वेन पेड, ये सारी चीज़ें वो मांग सकते हैं अगर उनको आपके इस पे शक होता है। अदरवाइज़ आपने ओनर को भी कॉल कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन इसमें ना डालें, एंड इट इज़ वेरी इजी ब्रीजी, आप देख के कर सकते हो। नाउ थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल।
अभी एट दिस मोमेंट मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ अपना वन टाइम रेंटल बेनिफिट. एक्चुअल में मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ. तो सबसे पहले आपको जाना है अपनी CRA की वेबसाइट पे. मैंने ऑलरेडी अपना लॉगिन कर दिया और मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, बट मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रही हूँ. जैसे ही आप लॉगिन करते हो, ठीक है, जिनके पास CRA अकाउंट है, जैसे ही लॉगिन करते हो, ये देखिए जो भी आपके अभी रिटर्न्स आने होते हैं, बेनिफिट्स आने होते हैं, वो आपका ओवरव्यू दे देते हैं. जैसे मैं अपना अप्लाई कर सकती हूँ कनाडा के डेंटल बेनिफिट के लिए भी. तो देखते हैं इसका भी क्या है. इसको छोड़ के अभी चलते हैं हम यहाँ पे. तो अप्लाई नाउ आ गया. ये देखिए मैंने ना अपना ऑलरेडी भर दिया है. तो हम रिव्यू, आई गेस आई कैन नॉट, वही वाला सारा आ रहा है. मैं सोचा था कि मैं लॉगिन करके देखती हूँ. छोड़ो फिर क्या.